एक बार गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। ढलान पर से गुजरते समय अचानक शिष्य का पैर फिसला और वह तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह खाई में गिरने ही वाला था कि तभी उसके हाथ में बांस का एक पौधा आ गया। उसने बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया और वह खाई में गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया, लेकिन ना तो वह जमीन से उखड़ा और ना ही टूटा। वह बांस को मजबूती से पकड़कर लटका रहा। थोड़ी देर बाद बुद्ध पहुंचे। उन्होंने हाथ का सहारा देकर शिष्य को ऊपर खींच लिया और दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले। रास्ते में बुद्ध ने शिष्य से कहा, जान बचाने वाले बांस ने तुम्हें कुछ कहा, तुमने सुना क्या? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, और मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं आती, आप ही बता दीजिए उसका संदेश। बुद्ध मुस्कुराए, खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वह पूरी तरह मुड़ गया था, फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और जान बचा ली। बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बुद्ध ने रास्ते में खड़े बांस के एक पौधे को खींचा और फिर छोड़ दिया। बांस लचक कर अपनी जगह पर वापस लौट गया। बुद्ध ने शिष्य को कहा, पुत्र, पेड़ पौधों की भाषा मुझे भी नहीं आती, बेजुबान प्राणी हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं। बुद्ध ने शिष्य से कहा, हमें बांस की इसी लचीलेपन की खूबी को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांस के झुरमुट को झकझोर कर उखाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह आगे पीछे डोलता मजबूती से धरती में जमा रहता है। बांस ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा है कि जीवन में जब भी मुश्किल दौर आए तो थोड़ा झुक कर विनम्र बन जाना, लेकिन कभी टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही तुम पुनः अपनी स्थिति में दोबारा पहुंच सकते हो। शिष्य बड़े गौर से बुद्ध की बात सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, बांस ना केवल हर तनाव को झेल जाता है बल्कि यह उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। बांस ने यही संदेश दिया कि हमें अपने जीवन में इसी तरह लचीले बने रहना है, बस मुसीबतों के समय में टूटना नहीं है, क्योंकि जैसे मुसीबतें जाएंगी हम फिर से अपनी स्थिति को वापस प्राप्त कर सकते हैं।